दोस्तों आज मार्केट जैसे शुरू हुआ और जो कि फेड का जो इम्पैक्ट था वो मार्केट पे आ गया, लेकिन अगर हम लोग देखेंगे तो फेड का जो इम्पैक्ट था मार्केट के ऊपर ज्यादा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि 100 पॉइंट प्लस या माइनस ये मार्केट नॉर्मल में होता है। इवन का इम्पैक्ट होता है कि मार्केट अगर 200-300 पॉइंट ऊपर या नीचे है तो मार्केट जो था एक रेंज में था और ये रेंज में मार्केट क्लोज हुआ है। तो नेक्स्ट ये रेंज कभी ब्रेक होगा और वो कौन सा एग्जैक्टली रेंज होगा आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आज के मार्केट रिव्यू में हम लोग देखेंगे कि 23 सितंबर को मार्केट कैसे रहेगा। निफ्टी बैंक निफ्टी और जिन स्टॉक में मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में कुछ मूवमेंट रहेगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप वीडियो आगे तक देखते रहो। हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक ब्रोकर चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पे निफ्टी से। यहाँ पे निफ्टी जो है कि 88 पॉइंट डाउन है। यहाँ पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे निफ्टी के चार्ट के ऊपर, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको वीक करता हूँ। तो यहाँ पे निफ्टी का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है हम लोग देखेंगे। तो कल जैसे कि एक कैंडल आया था निफ्टी का, वो लगभग डोजी टाइप था बट नॉट एग्जैक्टली डोजी, लेकिन आज का अगर आप कैंडल देखोगे तो एग्जैक्टली डोजी यहाँ पे दिख रहा है। अगर हम लोग जो है कि चार्ट के ऊपर अच्छी तरह कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो जैसे कि मार्केट जो चार्ट का एक ए स्विंग लो जिसको कहते हैं, स्विंग लो बना है और जो कि ए स्विंग हाई बना है। तो जैसे कि इवेंट था तो दोनों भी लेवल जो है कि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक नहीं किया। तो अगर इवेंट कुछ कारगर होता है ना, इवेंट जो था जैसे मैंने कहा कि 0.75 BPS कट करने वाले हैं, बढ़ाने वाले हैं, और उसने इंटरेस्ट रेट जो है कि फेड ने 0.75 बढ़ाया, तो ये डिस्काउंटेड था। तो फिर आज का जो डाउन मूव था ये अगर हम लोग फेड की वजह से नहीं देखेंगे तो एक नेचुरल मूव जैसे कहते हैं, या जो कि रेगुलर मार्केट में मार्केट रिएक्ट करना चाहिए, मार्केट ने वैसे किया। और जैसे मैं बोलता हूँ कि जो अपना एक्सपायरी होता है तो एक्सपायरी में नॉर्मली मार्केट जो है कि मैक्सिमम डोजी कैंडल बनाता है। तो यहाँ पे जैसे ही एक्सपायरी जैसे ही मार्केट ने डोजी कैंडल बनाया और 17,500 जो लेवल है सपोर्ट, तो 17,500 का सपोर्ट मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया है। और ऊपर का भी जो लेवल था 17,918 ए जो लेवल है, ए लेवल के भी स्विंग हाई इसको भी नहीं ब्रेक किया है, इसके बीच में ही क्लोज हुआ है। जैसे मैंने कल कहा था कि इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी बढ़ गई जो कि 30 के आसपास थी, तो अगर एक्सपायरी तक देखा होगा आपने वो 10 के आसपास हो गई। तो मैंने ऊपर और नीचे के जो रेंज बताए थे आपको, तो उसके बीच में मार्केट क्लोज होगा, तो एग्जैक्टली मार्केट वैसे ही क्लोज हुआ है। और जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे कॉल पुट बेचने चाहिए क्योंकि आईबी कम होगा, और एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो कल आप कॉल पुट बेचते तो एटलीस्ट आपको 100 पॉइंट उसमें गेन होता था। तो ये मोस्टली हम लोग फ्यूचर ऑप्शन सीखते तभी पता चलता। नेक्स्ट की मार्केट का मूवमेंट अभी क्या हो सकता है, तो जैसे मैंने कहा कि ये स्विंग लो और स्विंग हाई है, आइदर साइड मार्केट ब्रेकआउट करता है। जैसे कि 70,422 का ये लो लेवल है, और अगर ऊपर हम लोग नजदीक वाला देखेंगे तो 17,918 ए वाला लेवल है। ये लेवल देखेगी मार्केट एक यहाँ पे बहुत टाइम नहीं स्पेंड कर सकता, ये नीचे या ऊपर ब्रेक कर सकता है। तो मार्केट एक रेंज में जा रहा है और ये रेंज ब्रेकआउट के बाद आपको एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिलेगा। इन बिटवीन क्या होगा, जैसे कि आज आपने देखा मार्केट गैप डाउन होने के बाद नीचे गया फिर से ऊपर गया, तो ये आपको वोलेटाइल मार्केट देखने को मिल सकता है। अगर आज आपने देखा होगा कि हमारा लो वाला लेवल देखिए, अगर इंट्राडे में भी देखिए एग्जैक्टली लेवल वर्क हो गया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लेवल पे ध्यान दे दो। हम लोग सोच रहे थे कि समझो कि जो है कि इवेंट के बाद मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन जैसे कि हमारे लेवल के नीचे गया, ये जो कल का लो के नीचे गया, नेक्स्ट लेवल टच किया, फिर से मार्केट ऊपर भी गया और मिडल में ये हो गया, लेकिन लेवल पे रिएक्ट करता है वहां पे आप ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे मार्केट जो है कि हम लोग और भी आगे जाके एक रेंज में मार्केट घूम रहा है, लेकिन ये रेंज ब्रेक करेगा नीचे और ऊपर तो आपको एक ट्रेंडिंग मार्केट मिल सकता है। इन बिटवीन मार्केट क्या होगा, वोलेटाइल होगा, और ऐसे होता है वैसे हमको रिएक्ट करना है। और जो नीचे और ऊपर के लेवल बताए उसको आप अगर जो कि फॉलो करोगे तो बेस्ट ट्रेड होगा। जैसे मैंने कल भी आपको कहा था कि प्राइस एक्शन को देखो, इवेंट है तो इवेंट में कुछ भी हो सकता है, प्राइस एक्शन भी आप ट्रेड करते हो तो बहुत अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। कल के लिए हम लोग इंट्राडे लेवल देखेंगे, तो हम लोग 5 मिनट का चार्ट भी देखते हैं और 5 मिनट के चार्ट के ऊपर मैं आपको समझाता भी हूँ। यहाँ पे देखिए कि जैसे सपोज नॉर्मली मैं आपको कहता हूँ कि मार्केट अगर यहाँ पे है तो हम लोग इन बिटवीन जैसा रहता है, नीचे का सपोर्ट होता है और ऊपर का रेजिस्टेंस होता है। यहाँ पे ऊपर होने के बाद ओपन गैप डाउन हुआ, ऊपर गया फिर नीचे गया, तो नीचे जाने के बाद आप सेल कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप सेल भी करते हो नीचे आने के बाद, तो यहाँ पे देखो अपना एक सपोर्ट था, सपोर्ट के यहाँ पे बहुत अच्छा हैमर कैंडल बना है, यानी इसके ऊपर उसने रिवर्स और बाउंस बताया, और यहाँ पे जो प्रीवियस क्लोज है
वहां तक मार्केट गया था। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन जो है कि एकदम बेस्ट चला, जिनको यहाँ प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड करने को आता है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा मौका था। अभी मार्केट जो है कि बहुत ही कंसोलिडेशन है यहाँ पे, तो हम लोग अगर नजदीक वाला कल के लिए आपको बाइंग के लिए लेवल देखना है 17665 के ऊपर अगर जाता तो आप बाइंग कर सकते हो, और सेलिंग के लिए जो कि आजकल 17532 ये जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट थोड़ा पैनिक हो सकता है, तो कल हम ये लेवल के नीचे सेल करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी देखिए तो यहाँ पे थोड़ा सा एक कैंडल जो है थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है, तो कंपेरेटिवली जो बैंक निफ्टी मुझे थोड़ा सा निफ्टी से यहाँ पे नेगेटिव लग रहा है। लेकिन हम लोग बैंक निफ्टी में देखेंगे तो देखिए कि यहाँ पे उसने भी एक नीचे का सपोर्ट ब्रेक नहीं किया और ऊपर का रेजिस्टेंस भी। बैंक निफ्टी में हम लोग नजदीक वाला सपोर्ट देखेंगे तो ये 40-84 ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट यहाँ पे है, ये होल्ड करना चाहिए बैंक निफ्टी। और ऊपर जो है कि जो रेजिस्टेंस है वो है 41688, और बैंक निफ्टी भी एक रेंज के बीच में, और ये जो बड़ा कैंडल आप देख रहे हो तो ऑलमोस्ट ये बड़ा कैंडल के अंदर ही है। अगर ये बड़ा कैंडल भी अवेलेबल हो जिसे मैं सिग्निफिकेंट कैंडल कहता हूँ 14 सितंबर का, इसके ऊपर क्लोज देना यानी बहुत ही अच्छा है, नीचे क्लोज देना थोड़ा नेगेटिव यहाँ पे हो सकता है। और अभी जो मार्केट ने रिएक्शन किया बैंक निफ्टी ने भी बहुत एकदम नेगेटिव भी मैं इसको नहीं कह सकता हूँ, जैसे कि नॉर्मल मार्केट में करते हैं वैसा है, यानी फेड का जो इम्पैक्ट है ज्यादा इसके ऊपर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो रेट हम लोग समझ रहे थे उतने आ गए, तो एक न्यूट्रल इम्पैक्ट होता है वो है। इंटरडे के लिए हम लोग लेवल देखेंगे बैंक निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। यहाँ पे बैंक निफ्टी अगर देखो तो ये 5 मिनट का एक लेवल है, उसके आसपास ही यहाँ पे क्लोज हुआ है। और अगर हम लोग थोड़ा उसका लेवल नजदीक का देखेंगे तो हम लोग डेली का 40,884 के ऊपर अगर जाता तो हम लोग बाइंग करेंगे, और सेलिंग के लिए थोड़ा नीचे वाला हम लोग लेवल लेते हैं डेली का 4284 के नीचे अगर जाता तो हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। दोस्तों जो हम लोग कल कॉल देखे थे उसमें से देखते हैं तो वहाँ पे आई थिंक हमने कोल इंडिया देखा था, तो यहाँ पे देखे कि अपने लेवल के ऊपर गया नहीं, और दूसरा L&T हम लोग सेल के लिए देखा था तो देखे कि इंट्राडे में सेल भी आया था और अपने टारगेट के करीब भी आया, बाद में इसमें कवरी गई क्योंकि क्या मार्केट क्या था वॉलेटाइल, और मैंने आपको इसलिए क्या किया था कम कॉल दिए थे, तो इसीलिए ही दिया था मैंने कम कॉल क्योंकि इवेंट था। अगर इसमें अपने L&T में सेल किया होगा तो आपको यहाँ पे ट्रेड मिला होगा, कोल इंडिया में जो कि ट्रेड इनिशिएटिव नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो जैसे कल जो है कि शायद जैसे कि मार्केट आइदर साइड ब्रेकआउट करे या उसमें ट्रेंडिंग आ जाए, इसलिए मैंने कल कुछ दो स्टॉक आपके लिए सिलेक्ट किए। यहाँ पे मैं टाइटन यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे टाइटन देखिए पीछे आप देखोगे तो एक ऑल टाइम हाई के आस करीब है, और आइटम ऑल टाइम हाई के करीब ये टाइम फेड कर रहा है और फिर से ये ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। तो आज का हाई जो है 2745 के ऊपर अगर टाइटन जाता है तो यहाँ पे हम लोग बाय करेंगे, यहाँ पे ऑल टाइम के करीब है तो हम लोग इसका फर्स्ट टारगेट 1% लेंगे, और उसके ऊपर जाते तो आप उसको ट्रेलिंग टॉपलेस लगा के और भी प्रॉफिट कर सकते हो। नेक्स्ट जो है कि SUL, अभी हमने देखा कि आजकल जो है कि जिसको हम लोग FMCG कहते हैं या ऐसे कुछ स्टॉक जो है कि जिसको डिफेंसिव स्टॉक कहते हैं वो ऊपर जा रहे हैं, तो SUL में भी एक अच्छा मोमेंटम आया और यहाँ पे ऊपर वाला एक लेवल ब्रेक कर सकता है, हाई ऑफ द डे क्लोज हुआ है इसको, 2701 के ऊपर जाता तो बाइंग करेंगे, 2753 का टारगेट आ सकता है। तो दोस्तों जिन स्टॉक के बारे में मैंने आपको बताया ये मेरे टेक्निकल व्यूज है, ऐसा कुछ भी नहीं कि कल स्टॉक ऐसे चलने चाहिए, इसमें आपको ट्रेड करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के सलाह लेके आप इसमें ट्रेड कीजिए। और दोस्तों आपको ऐसे टेक्निकल से सीखना है मेरे साथ लाइव मार्केट में और जैसे कि ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो दिए गए नंबर के ऊपर आप मुझे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो। दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और हमें कमेंट भी दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जय हिंद।